नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। खेल जगत के लिए उम्मीद की किरण बना बायो बबल। कोरोना से प्रभावित खेल जगत के लिए बायो बबल उम्मीद की किरण बन गया है। यूएई में आयोजित होने वाले आईपीएल में सभी टीमों के खिलाड़ियों और सदस्यों को बायो बबल में रखा गया है। आईपीएल के फाइनल तक सभी को इसी में रहना होगा। आईपीएल का पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। बायो बबल एक ऐसी स्थिति को तैयार करना है जहां खिलाड़ियों और टूर्नामेंट से जुड़े लोगों का शारीरिक तौर पर बाहरी संपर्क पूरी तरह टूट जाए। आईपीएल के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में बायो बबल सबसे अहम है। पहली बार इंग्लैंड वेस्टइंडीज मुकाबले में किया गया था बायो बबल का प्रयोग। बायो बबल का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में वेस्टइंडीज के साथ खेले गए मुकाबले में किया गया था। बायो बबल का खाका ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी फर्म रेस्ट्राटा ने तैयार किया था। इसमें बड़े पैमानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिससे बायो बबल में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग की जा सके। अमेरिका में यूएस ओपन और फुटबॉल चैंपियंस लीग में जहां बायो बबल का प्रयोग किया गया, तो वहीं आगामी ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश क्रिकेट लीग और गोवा में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में बायो बबल का प्रयोग किया जाएगा। बायो बबल तोड़ने पर कड़ी सजा, मैच से किया जा सकता है बाहर। बीसीसीआई के अनुसार बायो बबल तोड़ने पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सजा दी जाएगी। संबंधित खिलाड़ी को कुछ मैच खेलने से रोका जा सकता है। आरसीबी ने कहा है कि अगर किसी खिलाड़ी ने बायो बबल तोड़ा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो खिलाड़ियों ने बायो बबल तोड़ा है। पहली बार इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान जोफ्रा आर्चर ने बायो बबल तोड़ा था। इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने बायो बबल तोड़ा था। इन दोनों ही खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में जाना पड़ा था। जेल में आम कैदियों की तरह रह रही रिया, नहीं मिली कोई अतिरिक्त सुविधा। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय मुंबई की भाईखाला जेल में है जहां उनके पास ना तो बिस्तर है और ना ही पंखे की सुविधा। रिया को एक चटाई दी गई है, उन्हें कोई बिस्तर और तकिया भी नहीं दिया गया है। जेल में उनसे दूसरे कैदियों की तरह ही व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से रिया को अलग सेल में रखा गया है। इस सेल के बाहर 3 शिफ्ट में 2 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया को इंद्राणी मुखर्जी के बराबर वाले सेल में रखा गया है। इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में बंद है। अगले महीने देश को मिलेंगे 5 और राफेल, बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। चीन के साथ एलएसी पर जारी तनाव के बीच देश के लिए अच्छी खबर है। भारत को फ्रांस से राफेल फाइटर विमानों की दूसरी खेप अगले महीने तक मिलने की संभावना है। दूसरी खेप में 4 से 5 राफेल विमान मिल सकते हैं। राफेल विमानों की दूसरी खेप मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। इससे पहले 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। टू फ्रंट वॉर की संभावना को देखते हुए राफेल विमान काफी अहम माने जा रहे हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील की है। मेट्रो में कोविड नियम तोड़े तो तुरंत एक्शन लेगा फ्लाइंग स्क्वाड। मेट्रो की लाइनें खुलने के साथ ही यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसी के साथ डीएमआरसी को मेट्रो के अंदर कोरोना की रोकथाम से जुड़े नियमों को तोड़ने की शिकायतें मिल रही हैं। कई ऐसे लोगों की फुटेज सोशल मीडिया पर आ रही है जो लाइन में एक दूसरे से नजदीक खड़े हैं या ट्रेन के अंदर जिस सीट पर नहीं बैठना है उसी पर बैठे नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो मेट्रो के अंदर मास्क नहीं पहन रहे हैं। इन शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए डीएमआरसी ने सभी लाइनों पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर फ्लाइंग स्क्वाड कड़ी कार्रवाई करेगा। इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर की जांच के लिए शुरू किया अभियान। इंडियन ऑयल ने दिल्ली में एलपीजी का रिफिल सिलेंडर लेने से पहले उसके वजन और रिसाव की जांच के अपने अधिकारों के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख श्याम बोहरा ने कहा कि ग्राहकों को बताया जाएगा कि रिफिल सिलेंडर लेते समय उनके क्या अधिकार हैं। एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा वैन के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी, वितरक और वितरण कर्मचारी ग्राहकों को पैम्पलेट्स भी वितरित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।